यह प्रश्न कर बैठे कि आप फिर आप मुझे उठाकर क्यों लाए। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं, यदि तुम मुझसे यह पूछती हो कि मैं फिर तुम्हें उठाकर क्यों लाया, तो मैं कहता हूं कि अपने पाप और उसके मध्य से अंधे हो रहे राजाओं का मान मर्दन करने के लिए मैं तुम्हारा हरण करके लाया हूं। तुम्हारे साथ विवाह करने के उद्देश्य से नहीं, प्रतिपक्षी द्वारा जिस प्रश्न के पूछे जाने की संभावना हो वह प्रश्न स्वयं प्रस्तुत करके जो उसका जवाब देता है वह उत्कृष्ट तार्किक कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण उच्च कोटि के तार्किक है। श्री कृष्ण की बातें सुनकर रुक्मिणी भय से कांपने लगी, उसके दिल को बहुत ठेस लगी और वह मूर्छित होकर गिर पड़ी। श्री कृष्ण ने उसे पलक पर लिटाते हुए कहा, देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो मुझे प्राणों से भी प्यारी हो। रुक्मिणी जान गई कि मेरे अभिमान को नष्ट करने के लिए ही प्रभु ने यह सब कुछ कहा था। रुक्मिणी बोली, आज से मैं आपकी महारानी नहीं दासी हूं। बोलो श्री अनंत भगवान जी, मैं आपके योग्य नहीं थी, आपने मुझे अपना कर मेरा जीवन धन्य किया है। जब वह नम्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। जीव जब विनम्र होकर भगवान की शरण में जाता है तो वे उसका सम्मान करते हैं। सहज होने पर रुक्मिणी ने भगवान को बहुत सुंदर उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के प्रेम एवं समर्पण की परीक्षा ले रहे थे। भगवान शंकर जी ने भी पार्वती जी की परीक्षा ली थी। उस समय शिव पार्वती का जो संवाद है ठीक वैसा ही संवाद श्री कृष्ण और रुक्मिणी का है। कुमार संभव एवं श्री रामचरितमानस में शिव पार्वती के संवाद का सुंदर वर्णन है। रुक्मिणी कहती है, स्त्री पुरुष के वैभव से नहीं उसके गुणों पुरुषार्थ एवं ऐश्वर्य से आकर्षित होती है।